झारखंड विधानसभा से स्थानीयता और आरक्षण, ये दोनों बिल पास करके अब केंद्र को भेजे जा चुके हैं। अब ये नौवीं अनुसूची में जाकर इस पर क्या फैसला होना है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। हमारे साथ इस वक्त हैं पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री लालचंद महतो जी। लालचंद जी, आपने काफ़ी संघर्ष किया था आरक्षण के लिए, आज फाइनली झारखंड विधानसभा से इसको पास किया गया है और स्थानीयता को लेकर भी आप लोग काफ़ी सक्रिय रहे हैं, क्या कहेंगे अब? आज जो विधानसभा में 1932 स्थानीयता का जो खतियानी बिल पास हुआ है स्थानीयता के लिए और 27% आरक्षण का जो बिल पास हुआ है, मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के तरफ से साथ साथ ये भी कहना है, ये बिल पास होने के पश्चात लगता है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। अगर मंशा साफ होता, इसको लागू करने के पश्चात साथ साथ केंद्र में भेजता तो एक बात समझ में आती, ये सीधे केंद्र में भेज रहे हैं तो केंद्र में भेजने का मतलब है ना केंद्र इसको अनुसूचित 9 में शामिल करेगा, ना इसे हेमंत सरकार झारखंड में इसको लागू करेगी। इसीलिए मैं संदेह व्यक्त करता हूँ राज्य सरकार के डिसीजन पर, अगर इसकी मंशा साफ होती इसको तत्काल इसको लागू करना चाहिए था और साथ साथ सेंट्रल को भी भेजना चाहिए था अनुच्छेद 9 में शामिल करने के लिए, तब तो लगता है कि इनका मंशा साफ है। इसलिए मैं इसका स्वागत भी करता हूँ, साथ साथ इनके मंशा पर संदेह करता हूँ। पिछड़ों के लिए 27% जो आरक्षण लागू किया गया है, मैं बराबर कहता रहा हूँ, पिछड़ा वर्ग आयोग झारखंड का जो संवैधानिक संस्था है उसने 36% लागू करने के लिए सिफारिश किया था, तो 36 के जगह में 27 लागू किया है, तो यह उससे पूर्ण रूप से मैं संतुष्ट नहीं हूँ पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के तरफ से, कि राज्य सरकार को 36% आरक्षण पिछड़ों के लिए लागू करना चाहिए था, जिसके जगह में 27% जो पास किया है वो भी लागू करने नहीं जा रहा है, वो अनुच्छेद 9 में शामिल होगा तब ये लागू होगा। धन्यवाद। तो लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसके लिए वो दिल्ली तक जाएंगे और इसको पास करवाएंगे। दिल्ली में जाके ये क्या पास कराएंगे? दिल्ली में इनका क्या पहुंच है? पार्लियामेंट में इनका कोई बहुमत है क्या? जो नरेंद्र मोदी हैं वो मैं नहीं समझता हूं कि इसके पक्षधर हैं। नरेंद्र मोदी हैं मैं नहीं समझता हूं कि 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए वो जो है हिमायती हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का जो नीति रहा है उस नीति पर मैं केंद्र पर भी अविश्वास प्रकट करता हूं, वहां भेजने पर भी इस अनुच्छेद 9 में शामिल नहीं करेंगे, ना वो शामिल करेंगे ना यहाँ ये लागू करेंगे। तो लगता है कि एक बार फिर से इस पर और लंबी लड़ाई लड़नी होगी। ये लंबी लड़ाई जो है, मैं लंबी लड़ाई के लिए इन्होंने एक रास्ता दे दिया है, ये रास्ता इन्होंने दे दिया, एक मुद्दा दे दिया राज्य को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों की मजबूरी होकर के इसके पक्ष में आंदोलन में उतरना पड़ेगा। धन्यवाद। तो ये थे लालचंद महतो जी, और इनका कहना है कि इसको लेकर ना केंद्र ईमानदार है और ना ही राज्य सरकार ईमानदार है और एक आंदोलन के लिए रास्ता बना दिया गया है। सहयोगी पूजा के साथ नीला सिंह, लाइव लगातार रांची।